नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। देश के लिए आज का दिन बेहद अहम है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पिछले 10 महीनों से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। इन सब के बीच देश में निर्मित कोरोना वैक्सीन आज से लगना शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्करों को टीका दिया जाएगा। इधर जमशेदपुर में भी पहले चरण में 200 हेल्थ वर्करों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार खुद पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। जमशेदपुर में MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं टाटा मुखी अस्पताल में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है, जहां 3 वैक्सीन लेने वालों को 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालांकि पहला चरण रजिस्ट्रेशन का है, जिसे कल ही पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण के तहत टीका दिया जाना है और तीसरे चरण में ऑब्जर्वेशन केंद्र बनाया गया है, जहां टीका लेने के बाद लोगों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर जमशेदपुर के लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। हालांकि अगले चरण में देश भर के 30 करोड़ लोगों को इस अभियान में शामिल होना है, जिसकी तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। वैसे सब कुछ निर्भर पहले चरण के अभियान की सफलता पर करता है। हालांकि पीएम मोदी ने देश में निर्मित वैक्सीन को पूरी तरह से कारगर और सुरक्षित बताते हुए देशवासियों को भरोसा दिलाया है। टीका लेने पहुंचे लोगों ने पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन को बड़ी तन्मयता से सुना। संपूर्ण पूर्वी सिंहभूम के जिला वासियों को, राज्य के वासियों को, देशवासियों को कोविड वैक्सीनेशन के इस शुभारंभ के लिए ढेरों बधाई और शुभकामनाएं, जिसका इंतजार हम लोग बीते 1 वर्षों से करते आ रहे थे। आज वो इंतजार खत्म हुआ और हम लोग कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है शुरू कर रहे हैं। पहले चरण में जैसा पहले भी बताया गया है कि हेल्थ केयर वर्कर और जो सैनिटेशन वर्कर हॉस्पिटल्स के, उनको हम लोग यहाँ पे टीकाकरण का शुरुआत कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला में लगभग 10,500 ऐसे हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनका टीकाकरण किया जाएगा पहले चरण में, और आज 2 सेशन साइट्स, एक MGM मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल तथा दूसरा TMH में एक्टिवेटेड है ये सेशन, और 200 बेनिफिशियरी को हम लोग आज जो है फर्स्ट डे में टीकाकरण का लक्ष्य रखते हैं। सर, जिले में पहला टीकाकरण किसका नाम जो है? सबसे पहला टीकाकरण जो है MGM मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में हमारे सफाई कर्मी मैडम एलिस हैं, उनको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रिब्यूट दे रहे हैं। वो जो हमारे टेस्टिंग लैब हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करी है और संक्रमण और खतरे के बावजूद भी उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तल्लीनता से निभाई है, इसलिए उनके ट्रिब्यूट को देखते हुए और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हम लोग एलिस मैम को सबसे पहले जो है टीकाकरण यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।